दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जैज डिजिटल 4G। आप जैज डिजिटल 4G के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का, नॉट ऑन स्मार्टफोन बल्कि आप एक फीचर फोन पे भी इनका अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, विकास हियर विद अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ न्यू फीचर फोन फ्रॉम जैज डिजिटल। जैज ने एक अपना न्यू फोन इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि फीचर फोन है और इसका नाम है जैज डिजिटल 4G प्रो। ये एक फीचर फोन है बट यहाँ पर इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें आपको तमाम फीचर मिलेंगे जो एक स्मार्टफोन के अंदर होते हैं। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इसके अलावा आप ब्राउजिंग कर सकते हैं इंटरनेट पे भी। और यहाँ पर इसकी जो कीमत है वो एक फीचर फोन की है लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्टफोन के फीचर्स इस डिवाइस में मिलने वाले हैं। डिवाइस के प्राइस की बात करूँ तो ये डिवाइस हमें मिलने वाली है 4800 के प्राइस टैग में, लेकिन यहाँ पर हम इसमें 4G नेट यूज़ कर सकते हैं विद व्हाट्सएप, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया ऐप के साथ। इससे पहले जैज ने 3 अपने फीचर फ़ोन लॉन्च किए थे जिसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें और उनमें डिफरेंस ये है कि इस डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हैं विद टच एंड टाइप। और इससे पहले जो 3 फ़ोन थे जो कि जैज ने लॉन्च किए वो टच एंड टाइप नहीं थे, जस्ट आप उनको कीपैड से यूज़ कर सकते थे। बात करूँ डिवाइसेस की तो उनमें हमें मिलता था डिफेंडर जो कि अबाउट है 4100 रुपीज़ में। इसके साथ सेकंड फ़ोन लॉन्च किया था जैज ने क्लासिक जो कि 4200 रुपीज़ में हमें मिलता था। और थर्ड फ़ोन था एलीट जो कि हमें मिलता था 4600 रुपीज़ में। कुछ डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर जैज डिजिट 4G प्रो को देखकर आपको फर्स्ट लुक जो है वो याद आएगी नोकिया के 210 की, नोकिया 210 जो डिवाइस है। यहाँ पर इसकी जो शेप है वो सेम एज नोकिया 210 की तरह की है। यहाँ पर अगर आप बटन्स की बात करें यहाँ पर जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू डिजिट 4G प्रो, और यहाँ पर नोकिया 210 का साइज़ थोड़ा सा कम है लेकिन इनकी जो स्क्रीन है वो सेम है। यहाँ पर जो स्क्रीन मिलती है 2.4 और नोकिया 210 में भी हमें 2.4 स्क्रीन मिलती है। बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पर जैज डिजिटल 4G में हमें सेम लुक नज़र आती है लेकिन यहाँ पर जो स्पीकर है वो नहीं है नोकिया 210 में, और यहाँ पर हमें बैक साइड पर जैज डिजिटल 4G प्रो में एक स्पीकर भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है एक VGA कैमरा और इसके नीचे हमें LED फ्लैश मिलती है जो कि सेम है एज नोकिया 210, लेकिन यहाँ पर इनकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी अलग है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइप भी चार्जर मिलता है जिसके साथ आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और अगर इसके बैटरी की बात करें तो हमें मिलती है अबाउट 2000 mAh की, तो आई थिंक सो फीचर फोन के लिए ये काफ़ी अच्छी बैटरी है क्योंकि अगर नोकिया की बैटरीज की अलग बात करें तो वो भी अबाउट 1400 या 1500 mAh की होती है, लेकिन उसकी जो बैटरी है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और आप इसको 2 से 3 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पर मिलता है 3.5 mm का जैक और इसके साथ यहाँ पर हमें एक माइक देखने को मिलता है। इसके साथ अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर हम भी फ्रंट में भी हमें एक सेल्फी कैम जो है वो मिलता है। इसके साथ यहाँ पर अगर स्पीकर्स की बात करें तो नॉर्मली जो फीचर फ़ोन होते हैं वहाँ पर जो स्पीकर हैं वो एक ही यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्पीकर है तो यहाँ पर जो ऑडियो प्लेयर्स हैं वो उसकी आवाज़ भी एयर स्पीकर्स में से आएगी और एयर स्पीकर जो है वो इसके अलावा जो दूसरी वीडियोज़ वगैरह होते हैं वो भी प्ले कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग स्पीकर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एयर स्पीकर अलग देखने को मिल रहा है और वीडियो या ऑडियो के लिए आपको जो स्पीकर है वो अलग देखने को मिल रहा है, इसलिए इसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। इस पर यहाँ पर बैक की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया तो यहाँ पर हमें मिलती है 2000 mAh की बैटरी, सो यह काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। इसके साथ हमें यहाँ पर मिलती है ड्यूल सिम और जो सिम्स हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ की नहीं होंगी बल्कि यहाँ पर हमें जो मीडियम साइज़ है जिसे हम नैनो सिम्स कहते हैं वो यहाँ पर सिम्स यूज़ होंगी, नंबर 1 और नंबर 2। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बताऊँ कि जैज ने एक छोटी सी लिमिट रखी है वो ये कि अगर आप नंबर 1 में यूज़ करना चाहते हैं कोई सिम तो यहाँ पर आपको सिर्फ यूज़ करनी पड़ेगी जैज या फिर वारिद, बिकॉज जैज और वारिद जो है वो इकट्ठी हो चुकी हैं, वो मर्ज हो चुकी हैं। सो जैज या वारिद दोनों में से कोई आप एक सिम जो है वो जैज की या वारिद की स्लॉट 1 में यूज़ कर सकते हैं और जो स्लॉट 2 है उसके अंदर आप कोई भी अदर नेटवर्क की सिम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें यहाँ पर मिलता है SD कार्ड का ऑप्शन और ये सपोर्ट करता है 32 GB तक स्टैंडर्ड SD कार्ड को। इसके साथ अगर बात करें कॉन्टेक्ट की तो यहाँ पर आप अबाउट 10,000 कॉन्टेक्ट जो हैं वो सेव कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी जो मैसेजिंग कैपेसिटी है वो है 1,000। ऐप्स की कुछ बात करें तो यहाँ पर हमें जो ऐप्स मिलती हैं यहाँ पर हमें मिलता है टिकटॉक,
फेसबुक, इसके अलावा यहाँ पर शेयर इट है, आप इसके जरिए कोई भी चीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं विद ब्लूटूथ और वाईफाई टू द अदर फोन्स। यहाँ पर हमें मिलता है व्हाट्सएप और इसके साथ हमें यहाँ पर मिलती है यूट्यूब। व्हाट्सएप की बात करूँ तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप में चैट कर सकते हैं नॉर्मली जैसे आप स्मार्टफोन पे करते हैं, उसके साथ यहाँ पर आप जो है वो इसके साथ यहाँ पर आप वीडियो कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एप्पल स्टोर की तरह यहाँ पर इसमें मिलेगी 9 ऐप, यहाँ पर 9 ऐप्स के नाम से यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन मिलेगी और इस एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, टेम्पल एंड गेम है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो और भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइक प्लेट, यूट्यूब को। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्टेटस सेवर मिल रहा है, पैरेलल स्पेस है ड्यूल अकाउंट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी गेम्स हैं, पबजी लाइट है जो कि आप फ़ोन में खेल सकते हैं। इसके अलावा आपको विडमेट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि आप इस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं अपने इस डिजिटल 4G प्रो में और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुछ सेटिंग्स की, तो यहाँ पर इस डिवाइस में ना सिर्फ हमें 2 सिम्स मिलती हैं जो कि है 4G और ड्यूल सिम जो हैं वो 4G स्टैंड बाई हैं, दोनों पे एट अ टाइम आप 4G नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेटिंग्स की, तो यहाँ पर सेटिंग में हमें वैन लाइन का ऑप्शन भी मिलता है जिसके साथ आप वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ पर वाईफाई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप यहाँ पर यूट्यूब पर कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो की जो प्लेबैक क्वालिटी है वो कुछ इतनी खास नहीं, बिकॉज यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन ही फील होगी और ऐसे लगेगा जैसे वीडियो हैंग हो रही है। सो फील ऐसे होता है जैसे नेट प्रॉब्लम है, बट मैंने इसको काफ़ी मरतबा नेट के साथ कनेक्ट करके या फिर डाटा पे ऊपर कन्वर्ट करके इसको काफ़ी मरतबा चलाने की कोशिश की है, तो जो वीडियो जो है वो डेफिनेटली नेट की वजह से नहीं बल्कि उसकी जो प्लेबैक क्वालिटी है वो ही इस तरह की है कि आपको ऐसे फील होगा कि जैसे वीडियो हैंग हो रही है। सो यहाँ पर बेसिकली ये फ़ोन जो है तो स्मार्टफोन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको व्हाट्सएप वगैरह के लिए या इमेजेस की हद तक यूज़ करें तो आई थिंक सो ठीक है, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है वो मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी। लेकिन ये बिकॉज एक फीचर फ़ोन है सो आपका सोशल मीडिया हद तक बहुत सारे जो काम है ये कर सकता है, बट नॉट सो मच। लेट मी शो यू वन मोर थिंग, यहाँ पर जब हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में हमारी जो एप्लीकेशन है वो बैक एंड पे रन होती रहती है। सो यहाँ पर वो एप्लीकेशन कहाँ पर जाएगी? सो यहाँ पर उसका एक और ट्रिक है, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट के नीचे आपका जो ऑप्शन है अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे लॉन्ग प्रेस, तो आपकी जितनी एप्लीकेशन जो ओपन है बैकग्राउंड में वो आपके सामने आ जाएंगी और आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड के बटन को रखें लॉन्ग प्रेस करके, तो यहाँ पर आपके जितने नोटिफिकेशन हैं वो आपके सामने आएंगे। सो फीचर फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो 5000 की रेंज में अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि एक जो है वो बैड चॉइस है। यहाँ पर आपको चूज़ करना चाहिए इस फ़ोन को, बिकॉज अगर आप ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ व्हाट्सएप वगैरह या किसी चीज़ को भी यूज़ करना चाहते हैं लाइक सोशल मीडिया ऐप्स, तो इस रेंज में ये डिवाइस काफ़ी अच्छी है टच एंड टाइप विद 4G। लास्ट में अगर मैं बात करूं तो बिकॉज ये फ़ोन जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का है जिसे हम कहते हैं मोबलिंग जैज, ये आपको अवेलेबल है जैज़ के किसी भी फ्रेंचाइज से आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसके अलावा जितने भी मोबाइल शॉप्स हैं वहां से आपको इजीली अवेलेबल होगा। लेकिन इसके साथ अगर आप इस डिवाइस को ख़रीदते हैं तो आपको कुछ इंटरनेट और कॉल्स के बंडल्स भी मिलेंगे फ्री, जो कि हैं अबाउट 3 मंथ के लिए। यहाँ पर आपको मिलती हैं अल्टीमेट फ्री कॉल्स जो कि होंगी ऑन नेट कॉल्स जो कि जैज़ और वारत पे है। इसके अलावा 2000 मिनट आपको ईच मंथ मिलेंगे। इसके अलावा नो कॉल सेटअप्स है, वैलिडिटी जो है वो आपको 3 मंथ के लिए है। इसके अलावा आपको फ्री व्हाट्सएप और फेसबुक मिलेगा जो कि आपको मिलेगा 3 मंथ के लिए। यहाँ पर 5000 mAh डाटा आपको पर मंथ मिलेगा। इसके साथ आप फ्री डाटा यूज़ कर सकते हैं 1 GB डाटा ईच मंथ, उसकी वैलिडिटी होगी 6 मंथ के लिए। सो अगर आप जैज़ डिजिटल 4G प्रो चूज़ करते हैं उसके साथ आपको बहुत सारे डाटा और कॉल्स बंडल भी मिलेगी। इसकी जो डिटेल है उसकी पिक मैंने आपके सामने ये शेयर की है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।